जैसा कि आप सबको पता होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो भर्ती परीक्षा है महिला पर्यवेक्षक की, वो आगामी आपकी संभावित हैं, क्योंकि ये जो कैलेंडर है उसके अंदर इसको मेंशन कर रखा है और इसको आप जो है व्यापम के कैलेंडर पर देख भी सकते हैं। ये जो व्यापम का कैलेंडर नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी यदि आप बात करेंगे तो ये आपको आसानी से यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अंदर आपको जो 8 नंबर पे जो आपकी भर्ती परीक्षा दिख रही है महिला एवं बाल विकास विभाग की, यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती परीक्षा है, इसका जो आयोजन है वो अक्टूबर 2024 के अंदर आपका करवाया जाएगा। और अक्टूबर 2024 के अंदर ये पेपर जो है आपका करवाया जाएगा। आप सबको पता होगा कि महिला बाल विकास विभाग की जो भर्ती परीक्षा है, इसमें दो तरीके के पेपर जो है आयोजित होते हैं। एक वो होता है जो गर्ल्स ग्रेजुएशन पास होती हैं उनके लिए होता है, और जो दूसरा पेपर आपका आयोजित होता है वो आपका आयोजित होता है केवल उन महिलाओं के लिए जो आपकी केवल 12th पास है। ठीक है, तो दो तरीके की भर्ती परीक्षा है, और इसमें जो सबसे अच्छी भर्ती परीक्षा है उसकी यदि आप बात करें तो वो महिला पर्यवेक्षक की जो है भर्ती परीक्षा। 3 घंटे का समय इसमें रहता है, 200 नंबर का पेपर इसमें पूछा जाएगा महिला सुपरवाइज़र के लिए। आइए देखते हैं इसकी वेतन क्या होता है और किस ग्रेड पे के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। पदनाम की यदि बात करें तो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पद होगा, और बहुत ही शानदार ग्रेड पे इसमें 2400 की ग्रेड पे रहती हैं। आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो ग्रेड पे होती है वो 1900 होती हैं। यहाँ कांस्टेबल यदि आप बनते हो तो वेतन कम होगा। इसके अंदर अगर किसी लड़की का सिलेक्शन होता है तो बेहतर जो जॉब है वो कर पाएगी और बेहतर जो है पैसा ले पाएगी। ठीक है, तो ये 2400 का ग्रेड पे होता है। प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं लगभग उनके वेतन के बराबर। योग्यता क्या पूछी जाएगी, तो योग्यता स्पष्ट यहाँ पे दे रखी है कि किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। 200 नंबर के पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो 4 खंडों में इन्होंने सिलेबस को बांटा है, और 4 खंडों की यदि बात करें तो इन 4 खंडों में भी स्पेशल खंड दे रखे हैं, और इन खंड के माध्यम से इनके पीछे भी दे रखा है कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर आपको बता रखा है कि भैया जो सिलेबस है वो कितने नंबर का होगा और कहाँ कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 भाग हैं, पहला भाग 55 नंबर का है, दूसरा भाग भी 55 नंबर का है, तीसरे भाग की यदि बात करें तो 45 नंबर का है, और चौथा 45, यानी कि 2 भाग 55 55 के हैं और बाकी 45 के हैं, तो टोटल 200 नंबर हुआ। क्या सिलेबस रहेगा, तो पोषण इसमें पूछा जाएगा। पोषण के अंदर यदि आप आगे बढ़ोगे तो संतुलित आहार क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रंस क्या होते हैं, कैलोरी क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं। सेकंड पे यदि आप आते हो तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण के महत्व की बात की गई है, किशोरावस्था या जो धात्री महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या विशेषता है, ये सारी गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की क्या व्यवस्था रहेगी, स्वास्थ्य का राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य जानकारी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेबस के अंदर मेंशन की गई है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर आप बड़ी आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, यानी कि डिटेल में आपको डिकोड करके दे दिया भैया इतने नंबर के प्रश्न हम यहाँ से पूछेंगे। ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आप आते हो तो इसमें भी डिटेल सिलेबस आपको दे रखा है, सामान्य ज्ञान का, नियम अधिनियम का, शारीरिक संरचना का। ठीक है, और उसके बाद यदि आप और इसको देखोगे तो शारीरिक संरचना के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप महिला पर्यवेक्षक बने तो थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछा जाए। सामान्य गणित पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, सामान्य रहेगी, और इनका जो नंबर होगा वो भी कम कम रहेगा, यानी कि गणित मात्र आपको 10 नंबर की पूछी जाएगी और रीजनिंग भी आपको मात्र 10 नंबर की पूछी जाएगी। बाकी जो चीज़ें हैं जो महिलाओं से जुड़ी हैं उनमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखिए सामान्य ज्ञान की जो योजनाएं हैं उसमें आप देखोगे तो 10-10 नंबर की यहाँ से चीज़ें पूछी जाएगी। तो बहुत बेहतर ढंग से डिकोड किया गया है सिलेबस को। तृतीय खंड पर आते हैं तो इसमें जो पटवारी में जो आपका प्रबंधन विषय था सेम उसी प्रकार से प्रबंधन पूछा गया है। आप देखिए इसको एक एक करके कि भैया जो संचार और ये हैं इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद विकास की अवधारणा, उसकी मुख्य चुनौतियाँ क्या होती हैं विकास की, वो आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपको यहाँ से ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे यदि आप इसमें बढ़ोगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा कि किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे जो है आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर ढंग से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसके आगे आप देखिए तृतीय खंड है, चतुर्थ खंड में बाल विकास परिचय,
साला पूर्व शिक्षा का परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो ये दो तरह के जो हैं सिलेबस आपको दे रखे हैं। 200 नंबर का पेपर होगा। डिटेल एनालिसिस के साथ आप इस सिलेबस को देख सकते हैं। और ESB ने अपनी जो पुरानी भर्ती है उस पुरानी भर्ती के अंतर्गत इसको शामिल किया था। वहीं का ये रूल बुक है, उसी रूल बुक के अनुसार मैं आपको ये डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। अर्थात अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कैलेंडर में दे रखा है। और कैलेंडर के आधार पर जो पुरानी भर्ती हुई थी 2017 में, उसमें जो सिलेबस था वो मैंने आपको बताया। सेम वही सिलेबस रहने की पूरी संभावना है। नई शिक्षा नीति वगैरह कुछ नए टॉपिक ऐड हो सकते हैं, बाकी संभावना पूरी पूरी है कि यही सिलेबस आपका रहेगा 200 नंबर का। और 200 नंबर के इस पेपर में अगर आप 150 या इससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आप बेहतर ढंग से इसमें कर पाएंगे। अब रही बात कि सर ये तैयारी कहाँ से की जाए, तो एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही मिनिमम फीस में, यानी कि नाम मात्र की फ़ीस में आप इसके सारे नोट्स, साथ ही साथ आप इसकी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में पा सकते हैं परफेक्शन एकेडमी से। परफेक्शन एकेडमी के कुछ ई नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ई नोट्स हैं, इसमें डिटेल सिलेबस पहले हम डिकोड करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, उसके बाद हम उसकी तैयारी करवाते हैं। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है सिलेबस, सेम उसी प्रकार का जो सिलेबस हमारा ई नोट्स, जिसे आप कह सकते हैं ई बुक कह सकते हो, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो परफेक्शन एकेडमी के प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके अब महिला सुपरवाइज़र का बैच खरीद सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस में आपको 500 से भी कम रुपए में ये मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट इसका वो पता नहीं है कि कितनी कीमत है, लेकिन हाँ ये 400 से ज़्यादा का तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हैं। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 अभी जो आई है उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और परफेक्शन अकेडमी का डिटेल लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग रूप में ई नोट्स आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसी प्रकार से ई नोट्स के सारे आपका 200 नंबर का जो पेपर है उसको कवर करवाया गया। तो आपको इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, और बड़ी आसानी से जो टीकाकरण वगैरह हमारे यहाँ पर होते हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, हमारे यहाँ आरोग्यम है, इन सब की जो है चीज़ें आपको बेहतर ढंग से वहाँ पर मिल पाएगी। ठीक है, आगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आगे आप क्या चाहते हैं इस चैनल पर, किस प्रकार की वीडियोस आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए।